मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की खजुराना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में फरार भूमाफिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए भूमाफिया पर पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम घोषित करके रखा था, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फरार भूमाफिया इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में देखा गया है, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच व खजराना पुलिस ने घेराबंदी कर भूमाफिया अरविंद सेंगर को गिरफ्तार किया। भूमाफिया अरविंद सेंगर व उसके 10 साथियों द्वारा फरियादी अजय गुप्ता के न्यायनगर के प्लॉट पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना खजराना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अरविंद सेंगर अपराध कायम होने के बाद से ही फरार चल रहा था। काफी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ में न आने से आरोपी अरविंद सेंगर पर पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अपराध क्रमांक 248/2021 जो कि 420/467/468/384/386 ऐसे IPC में अपराध पंजीबद्ध था, उसमें 10,000 के इनामी आरोपी अरविंद सेंगर को हमारी टीम ने पकड़ाया क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर। और आरोपी कई दिनों से फरार था, इस पर 10,000 का इनाम भी था और अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। तो इस प्रकरण में ये भी एक मुख्य आरोपी था और इसी तरह से मुहिम जारी है। अभी जो आरोपी फरार हैं दीपक मद्दा, कमलेश जैन, रमेश जैन, इनकी भी हमको तलाश है और शीघ्र है इनको भी हम लोग पकड़ लेंगे। सर ने किस तरह की धोखाधड़ी? ये जो आवंटित जो प्लाट है जो नए नगर के, उसमें ये लोगों को डरा धमका कर और उनसे फिर जो है जो लाभार्थी थे उनसे प्लॉट लेकर और अवैध लाभ कमाकर किसी अन्य लोगों को भी प्लॉट बेच देते। भूमाफिया दीपक, कमलेश जैन व रमेश जैन की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने एक टीम भी गठित की थी।